ड्रैगन पाई मुंडबिंधार कारण पलटिब प्रलय मिसाइल जानतु कौन रही मिसाइल रो विशेषत्व। दर्शक बंधु एही प्रलयर द्वितीय संस्करण परीक्षण होता बेले यार परिसीमा 150 किलोमीटर रु 500 किलोमीटर पर्यंत रही। भूपृष्ठ को शॉर्ट रेंज बालास्टिक मिसाइल श्रेणी अटे। यह रूसिया 9K720 क्षेपणास्त्र इस्कंदर सहित तुलना करा जाउथवा बेले चाइनार डोंगपेंग 12 ठारु शक्तिशाली बोली प्रतिरक्षा वैज्ञानिक मानंक ठारु प्रकाश। एहि मिसाइल पृथ्वी मिसाइल रो नूतन संस्करण बोली जणा जाइथिबा बेले एहार निशान 500 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त। 5 टन ओजनर एहि मिसाइल 1000 किलोग्राम पर्यंत युद्धास्त्र बहन करिपरिबार क्षमता रहिथिबा बेले एहार इंधन कठिन पर्यायर बोली जणा जाइछि। 2015 मसीह 333 कोटी व्यय अटकल भारतीय प्रतिरक्षा गवेषणा संस्था द्वारा निर्मित होता बेले रोड लंचिंग रु निक्षेप करी विभागीय अधिकारी निकटर प्रकाश पाई। 1 फुट 5 इंच व्यासार्ध विशिष्ट प्रलय क्षेपणास्त्र आणविक युद्धास्त्र बहन कर क्षमतार अधिकारी अटे। सिंगल स्टेज विशिष्ट इंजिन यहाँ बहन कर निक्षेप कर ठीक लक्ष्यस्थल को ठीक समय Mach 3 स्पीड्रे लक्ष्यभेद कर यार गति को फाइबर ऑप्टिको गायरो नाभिगेशन सिस्टम GPS एवं नाभिक सैटेलाइट द्वारा गाइडेड करा जायथिला। यार प्रथम परीक्षण 2011 मसीहा जुलाई 21 तारीख रे करा जायथिबा बेले 150 किलोमीटर को 250 सेकंड रे लक्ष्य भेद करि परिथिला। आज सफल परीक्षण को नहीं प्रतिरक्षा मंत्री समस्त को साधुवाद जणाइथिबा बेले पुनश्च प्रतिरक्षा रे एक माइलस्टोन होई परछि बोली ट्वीट करथिबा बेले प्रतिरक्षा विभाग रो चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी यार सफल रूपायन पई संपूर्ण टीम को प्रशंसा करिसेंति। तबे कही रखुचु एही क्षेपणास्त्र 150 रु 500 किलोमीटर पर्यंत टार्गेट को छुई परिबो। सरकारी अधिकारी अनुजाई विभिन्न रेंज एवं समस्त पारामीटर रे क्षेपणास्त्र परीक्षा करिबा पई एही परीक्षा करा जायथिला। एही क्षेपणास्त्र रो एक विशेषत्व हेउची एहा वायु रे पथ परिवर्तन करि परिबो। बुधवार दिन एही क्षेपणास्त्र मध्यम परीक्षा करा जायथिला। 2 दिन मध्यरे द्वितीय थर पई देशरे निर्मित एही क्षेपणास्त्र परीक्षण करा जायछि। प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एही क्षेपणास्त्र प्रस्तुत करा जायछि एवं एहा 500 रु 1000 किलोग्राम रो वार हेड बहन करि परिबो। प्रलय क्षेपणास्त्र कठिन प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एवं अन्यान्य नूतन प्रजुक्ति विद्या सहित सज्जित अटे। एही क्षेपणास्त्र गाइड सिस्टम अत्याधुनिक नाविगेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित सजा जाइछि। प्रथम थर पई भारतीय सेना टैक्टिकल ऑपरेशन पई बालास्टिक क्षेपणास्त्र प्रस्तुत करुछि। चीन सहित चलिथिबा विवाद मध्यरे भारतीय सैन्य बाहिनी LAC रे प्रलय बालास्टिक क्षेपणास्त्र नियोजित करबाकु निष्पत्ति नेइछन्ति। भारतीय सेनार एही निष्पत्ति चीन सेनारे भय सृष्टि करिछि। प्रलय क्षेपणास्त्र 150 रु 5000 किलोमीटर मध्यरे चीन सेनार जे कोनोसी लक्ष्य को भेद करिकि नष्ट करि परिबो। भारतर 3 सैन्य बाहिनी वर्तमान एही रॉकेट फोर्स प्रस्तुत करबाकु चेष्टा करुछन्ति। खूब शीघ्र प्रलय क्षेपणास्त्र नियोजन करा जिवो उच्च पदस्थ प्रतिरक्षा अधिकारी एनई इंडिया टुडे को सूचना देछंती। कहि रखुची निकटरे नौसेना मुख्य एडमिरल आर हरि कुमार कहितिले स्वर्गत जनरल बिपिन रावत एक रॉकेट फोर्स निर्माण रे काम करूथिले जहा फळरे सीमा रे शत्रु को मुकाबिला करा जाई परिबो। प्रलय क्षेपणास्त्र रे एक स्ट्रांग प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर रहिछि एहा सहित नूतन टेक्नोलॉजी मध्य रहिछि। एही क्षेपणास्त्र रो गाइड सिस्टम रे अत्याधुनिक नाविगेशन एवं इंटीग्रेटेड AVNX रहिछि। प्रलय भूपृष्ठ रु भूपृष्ठ को टार्गेट करि परुथिबा क्वासी क्षेपणास्त्र अटे। एपरिकि इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र मध्य प्रलय क्षेपणास्त्र आक्रमण सामना करि परिबो नाही। एहा निजस्व पथ परिवर्तन करिबाकु मध्य बेस सक्षम अटे किंतु केवल वायु रे किछि परिसर पर्यंत एहा सीमित अटे। तबे प्रतिरक्षा सूत्ररु जणा पडिछि प्रलय क्षेपणास्त्र अंतर्भुक्त हेले भारतीय सेना बहु शक्तिशाली रहिबो। उच्चरु चाइनार टार्गेट उपरे आक्रमण करिबा अत्यंत सहज होइजिबो। भारतीय सेनार एही निष्पत्ति चीन सेनारे भय निश्चित भाबरे सृष्टि करिबो। प्रलय
क्षेपणास्त्र 150 रु 5000 किलोमीटर मध्यरे चीन सेनार जेकोसी लक्ष्य को भेद कर नष्ट कर रखुचु। भारत तीन सैन्य बाहिनी वर्तमान एक रॉकेट फोर्स प्रस्तुत करने को चेष्टा कर खूब शीघ्र प्रलय क्षेपणास्त्र नियोजन करा उच्च पदस्थ प्रतिरक्षा अधिकारी एने इंडिया टुडे को सूचना देखते निकटने नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरि कुमार कहते स्वर्गत जनरल बिपिन रावत एक रॉकेट फोर्स निर्माण में काम करुले जहाँफल सीमार शत्रु को मुकाबला कर प्रलय क्षेपणास्त्र एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर रही सहित नूतन टेक्नोलॉजी रही क्षेपणास्त्र गाइड सिस्टम रे अत्याधुनिक नेविगेशन एवं इंटीग्रेटेड आवियोनिक्स रही प्रलय भूपृष्ठ भूपृष्ठ को टार्गेट करिपारुतबा क्वासी क्षेपणास्त्र अटे। चाइना सहित चलिथिबा एही तिक्तता मध्यरे भारतीय सेना बालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रलय किणिबाकु चिंता करुछि। एहा 150 रु 500 किलोमीटर दूर रे अवस्थित शत्रु स्थिति को संपूर्ण रूप से विनाश करिबाकु एहा सक्षम हबो। डीआरडी रु प्रलय किणिबा पई भारतीय सेनार प्रस्ताव आगुआ पर्यायर रहिछि। एही सप्ताह रे एक उच्च स्तरीय बैठक रे एहा उपरे निष्पत्ति नियाजिबो बोली आशा करा जाउछि। प्रतिरक्षा सूत्र रु प्रकाश जे एही प्रस्ताव मध्य गुरुत्वपूर्ण अटे कारण एहा एपरि एक समय रे आसीछि जेतेबेले भारतीय सेना एक रॉकेट फोर्स गठन करिबाकु चिंता करुछि। निकटरे नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरि कुमार कहिछन्ति सीमारे शत्रु मानकर मुकाबला करिबा पई स्वर्गत सीडीएस जनरल बिपिन कुमार एक रॉकेट फोर्स रो गठन प्रस्ताव उपरे प्रतिरक्षा मंत्रालय विचार जारी रखी कही रखुचु। गत वर्ष डिसेंबर में लगातार दुई दिन में दुईथर सफलतार सहित परीक्षण करा सेना एहार अधिग्रहण एवं सामिल होगा नहीं कार्य करुछि। प्रलय रॉकेट मोटर एवं अन्यान्य अभिनव प्रजुक्ति विद्या द्वारा परिचालित एहा एक गाइडेड मिजाइल अटे। एथिरे अत्याधुनिक नेविगेशन एवं इंटीग्रेटेड विमान चलाचल प्रणाली अंतर्भुक्त अटे। सूत्ररु प्रकाश जे एहा एक भूपृष्ठरु भूपृष्ठ क्षेपणास्त्र एहार इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र नष्ट करिबाकु सक्षम अटे। वायुरे एक निर्दिष्ट दूरता गति करिबा परे एहार दिग परिवर्तन करिबार क्षमता मध्य रहिछि। ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्र सहित प्रलय क्षेपणास्त्र सेनार दीर्घतम सीमा क्षेपणास्त्र प्रणाली हेबो। स्ट्राटेजिक फोर्स कमांड द्वारा एक दूरगामी क्षेपणास्त्र को नियंत्रण करा जाई परिबो। एही क्षेपणास्त्र पेलोड क्षमता हेउची 500 रु 1000 किलोग्राम। तबे एलएसी रे मुतयन हेबो अत्याधुनिक बालिस्टिक मिजाइल प्रलय 150 रु 500 किलोमीटर दूर को शत्रु को करी परिबो एहा टार्गेट। खूब शीघ्र भारत सेनारे सामिल हेबो प्रलय मिजाइल। चीन सहित चलिथिबा विवाद भितरे भारतीय सेना एलएसी निकटरे प्रलय बालिस्टिक मिजाइल को मुतयन करबाकु चाहुंची। मुख्यतः चीन सीमारे भय सृष्टि करबा उद्देश्य रे एहाकु मुतयन करबाकु चाहुंची सेना। एथिपई खूब शीघ्र किणिबाकु जाउची बालिस्टिक मिजाइल। एही मिजाइल प्राय 150 रु 500 किलोमीटर जाय ध्वंस करिवार क्षमता रखिछि। डीआरडीओ रो प्रलय मिजाइल किणिबा नै सेनार प्रस्ताव शेष पर्याय रे पहुंची। एथिपई चलित सप्ताह रे हेबाकु थिबा उच्च स्तरीय बैठक रे निष्पत्ति नियाजिबो बोली आशा करा जाउछि। तबे नजर रखिबो आउ अमानिया हेले निमिषके मध्यरे ध्वंस करिदेबो। एलएसी रे चीन को नै विवाद भितरे भारतीय सेना प्रलय बालिस्टिक मिजाइल को सीमारे मुतयन करबाकु निष्पत्ति नैछन्ति। भारतीय सेनार एही निष्पत्ति चीन मनरे भय संचार करुथिबार कथा कह जाउछि। तबे 150 रु 500 किलोमीटर दूरतारे टार्गेट को ध्वंस करिपारे क्षेपणास्त्र प्रलय। भूपृष्ठ रु भूपृष्ठ को लक्ष्यभेद करुथिबा प्रलय क्षेपणास्त्र मझी आकाशरे निजर गतिपथ को परिवर्तन करिपारिबो। एथिरे सिल्ड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर सहित अनेक नुआ ज्ञान कौशल उपयोग होइछि। प्रथम थर पई प्रलय मिजाइल रो परीक्षण 2011 होइतिला। गत वर्ष मध्य डीआरडीओ लगातार भावरे दुई दिन धरी दुई थर क्षेपणास्त्र प्रलयर सफल परीक्षण करिथिला। एबे भारतर तीनोटी सेना रॉकेट फोर्स पई प्रस्तुत होउथिबा बेले शीघ्र ही मिजाइल प्रलय सीमारे मुतयन हेबो। भारतीय सेनार एही निष्पत्ति चीन सेनारे भय सृष्टि करिबो। प्रलय क्षेपणास्त्र 150 रु 5000 किलोमीटर मध्यरे चीन सेनार जेकोसी लक्ष्य को भेद करिकि नष्ट करि परिबो। भारतर तीन सैन्य बाहिनी वर्तमान एक रॉकेट फोर्स प्रस्तुत करने को चेष्टा करुछन्ति।
खूब शीघ्र प्रलय क्षेपणास्त्र नियोजन करा उच्चपदस्थ प्रतिरक्षा अधिकारी एने इंडिया टुडे को सूचना देते तबे कही रखुचु निकटरे नौसेना मुख्य आडमिराल आर हरिकुमार कहते स्वर्गत जनरल बिपिन रावत एक रॉकेट फोर्स निर्माण रे काम करुथिले जहाँफल सीमार शत्रु को मुकाबला करा प्रलय क्षेपणास्त्र रे एक स्ट्रांग प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर रही सहित नूतन टेक्नोलॉजी रही क्षेपणास्त्र गाइड सिस्टम रे अत्याधुनिक नाविगेशन एवं इंटीग्रेटेड आभियनिक्स रही प्रलय भूपृष्ठ भूपृष्ठ को टार्गेट कर क्वासी क्षेपणास्त्र अटे एपरिकी इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र प्रलय क्षेपणास्त्र आक्रमण सामना करना यह निजस्व पथ परिवर्तन करने को सक्षम अटे किंतु केवल वायुर किसी परिसर पर्यंत प्रतिरक्षा सूत्र जहाँ जमापड़े जे प्रलय क्षेपणास्त्र अंतर्भुक्त हेले भारतीय सेना बहु शक्तिशाली हेबा उच्चरु चाइनार टार्गेट उपरे आक्रमण करिबा अत्यंत सहज हो जीव। धन्यवाद। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।